नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में पढ़ रहे थे अपन जो बप्पा रावल है, गोहिल है, अपन पढ़ लिए हैं। अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी तो क्लासेज जरूर देखे, इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप राजस्थान की तो इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में रण सिंह के बारे में, तो रण सिंह ठीक है। अगले जो शासक आएंगे आलू रावल या अलहट के बाद में अलग अगले शासक रण सिंह, रण सिंह कौन है? रण सिंह। रण सिंह के जो पुत्र थे, दो पुत्र थे ठीक है, एक का तो क्या नाम है, एक का तो नाम है सेम सिंह और एक का नाम है राहत। ओके, एक का तो नाम है सेम सिंह, सेम सिंह और एक का नाम है राहत। इन्होंने सिसोदिया शाखा और इन्होंने रावल शाखा को जन्म दिया। रावल शाखा के यहीं से स्टार्ट होती है ठीक है। तो ये पुत्र थे ठीक है, ये क्या थे? ये पुत्र थे इसके, ये पुत्र किसके हैं? ये दोनों, तो ये दोनों किसके पुत्र है? यह है रण सिंह के। क्या है? रण सिंह के क्या है? ये पुत्र है। रण सिंह के क्या है? ये पुत्र है राहत और सेम सिंह। तो इनकी अगर बात करें तो इनके दो पुत्र थे, इनके क्या थे? दो पुत्र थे, एक का नाम तो है सामंत सिंह, सामंत सिंह और एक का नाम है कुमार सिंह, कुमार सिंह। ओके, सामन सिंह, कुमार सिंह। तो मैंने यह डायग्राम बताया ठीक है 1158। एक बार दोबारा समझा देता हूं, आलू रावल या अलहट अपन ने पढ़ लिया ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आसक कौन है? रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र है सेम सिंह और राहत। ओके, सेम सिंह है इन्होंने रावल शाखा बनाई ठीक है, और राहत है वो उन्होंने सिसोदिया गांव बसाया और सिसोदिया इसी कारण से कहलाए। सेम सिंह के दो पुत्र थे सामंत सिंह और कुमार सिंह। ओके, अब अगले जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? सामंत सिंह। इनके बाद में बनेंगे कुमार सिंह। तो अपन बात कर लेते हैं सामंत सिंह की, उन्होंने क्या किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा वैसा मैं इसको यहां से मिटा देता हूं ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन पढ़ने वाले हैं सामंत सिंह को। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं आराम से। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, अपन बात करने वाले हैं सामंत सिंह ठीक है। सामंत सिंह, सामंत सिंह ठीक है। अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं? सामंत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है। और सामंत सिंह ने एक युद्ध लड़ा था ठीक है। कब लड़ा था? 1153 में। किसके साथ लड़ा था? कीर्तिपाल चौहान ठीक है। और आप सब जानते हैं कीर्तिपाल चौहान कौन है? जालौर में सोनगढ़ चौहानों के क्या थे? संस्थापक थे। कौन? कीर्तिपाल चौहान। इनके साथ इन्होंने युद्ध किया था, लेकिन इस युद्ध में क्या हो गए थे? ये पराजित हो गए। पराजित होने के बाद में भाग के कहाँ पे चले गए थे? डूंगरपुर चले गए। तो डूंगरपुर में क्या है, उन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की। ओके, सामंत सिंह 1172 ठीक है, 1172 इन्होंने युद्ध लड़ा ठीक है। सामंत सिंह वर्षिश कौन है इनके विरुद्ध? सामंत सिंह के विरुद्ध कौन है? तो मैंने बताया सामंत सिंह के विरुद्ध है कीर्तिपाल चौहान ठीक है। कौन है? कीर्तिपाल चौहान। और कीर्तिपाल चौहान कौन है? जालौर में सोनगढ़
शोनग्रा, चौहानों के संस्थापक, ठीक है, जालौर में शोनग्रा चौहान थे, वहां के संस्थापक कौन थे, वह है कीर्तिपाल चौहान। और आपको पता होगा जालौर में सर्वाधिक, जालौर में जो यहाँ के जो शासक हुए हैं, जालौर के प्रतापी शासक कानड़देव, विरमदेव, आपने नाम सुना होगा। तो जो जालौर, जो जालौर में सोनग्रह चौहान है, उनके संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल, और मेवाड़ में कौन है, सावंत सिंह, ठीक है। इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है, 1172 में, ठीक है, और इस युद्ध में क्या हो गए सावंत सिंह, ये हो गए पराजित, ठीक है, क्या हो गए पराजित, और ये भाग के कहां से ले गए, भाग कर, भाग कर डूंगरपुर चले गए, और वहां पर गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की क्या की इन्होंने, स्थापना, गोहिल वंश की स्थापना, स्थापना की। और यहाँ के जो शासक थे डूंगरों पर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन पे किसका शासन रहा, फिर गोहिल का। और ये जो यहाँ के जो शासक थे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो अपने नाम के पीछे क्या लगा देते, ये लगा देते महारावल, जबकि मेवाड़ में क्या लगा देते महाराणा। तो भाग के कहाँ पे चले गए थे, डूंगरपुर, और वहां पे इन्होंने क्या किया, गोहिल वंश की स्थापना की। ओके, तो आप ये इसको समझ लीजिए। इसके बाद में भाग के चले गए, लेकिन इनके भाई कौन थे, सावंत सिंह के भाई कौन थे, कुमार सिंह। कुमार सिंह ने वापस इस पे बदला किया, बदला लेने के लिए वापस आक्रमण किया कीर्तिपाल चौहान पे, और कीर्तिपाल चौहान को यहाँ से मेवाड़ से भगा दिया। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सावंत सिंह। सावंत सिंह के बारे में यही है कि ये भाग के डूंगरपुर चले गए थे, ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट शासक अपन पढ़ेंगे कुमार सिंह। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके जो भाई थे उनका नाम है कुमार सिंह, कुमार सिंह, कौन थे, कुमार सिंह। कुमार सिंह ने वापस आक्रमण कर दिया किस पे, कीर्तिपाल चौहान पे। कुमार सिंह नेक्स्ट शासक आ गए, और इनके विरुद्ध कौन थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, कुमार सिंह, कुमार सिंह, कुमार सिंह वर्सेस कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान, ठीक है। इनके मध्य युद्ध हुआ, और ये युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1179 में, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ, ये हुए पराजित, युद्ध क्या हुए पराजित, और ये क्या हुए, ये इस युद्ध में जीत गए, ठीक है, ये विजय रहे वो पराजित हो गए इस युद्ध में 1179 में जो युद्ध हुआ था उसमें। और कीर्तिपाल चौहान को यहाँ से क्या कर दिया, इन्होंने भगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा रहा हूं मैं, कुमार सिंह, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने आक्रमण, ठीक है, आक्रमण करने के बाद में कुमार सिंह ने, कुमार सिंह ने इन्होंने क्या किया कि वापस मेवाड़ पे अपना अधिकार कर लिया। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है, मेवाड़ पे पुनः अधिकार कुमार सिंह ने कर लिया था, और कीर्तिपाल चौहान को हरा दिया था। ओके, तो सावंत सिंह हो गया, कुमार सिंह हो गया, ठीक है,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट शासक कौन आएंगे मेवाड़ के, वो आएंगे जैत सिंह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे अपन बात करते हैं रावल जैत सिंह, जो अगले शासक बनेंगे मेवाड़ के। क्या नाम है अगले शासक जिनका नाम है रावल जैत्र सिंह? रावल जैत्र सिंह अगले शासक बनेंगे मेवाड़ के। और इनका जो शासन काल है 1200 और 1213, ठीक है, 1213 से लेके कई जगह अपन अपन को 1250 मिलता है, कई जगह 1252 भी मिलता है, लेकिन आपको ये पूछा नहीं जाएगा, शासनकाल कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, रावल जैत्र सिंह इनका जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो 1212 से लेके, या 1200, हाँ ठीक है, 1212 या फिर 1213, ठीक है, यहाँ लिखा रहा हूँ मैं शासनकाल 1213 से लेके 1250, और कहीं जगह अपन को 52 भी मिलता है, ठीक है। इनका क्या है, रावल जैत्र सिंह का शासनकाल है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजधानी बनाई थी तीसरी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन है? तो यह है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को तीसरी राजधानी बनाया है। ओके, यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं, रावल जैत्र सिंह ने क्या किया था, इन्होंने मेवाड़ की तीसरी राजधानी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया, ठीक है। जैत्र सिंह ने एक तो ये कार्य किया था कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया। इसके अलावा रावल जैत्र सिंह है, इनके बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनको क्या कहा जाता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने जैत्र सिंह, ठीक है, जैत्र सिंह को चित्तौड़ के प्रथम विजेता बताया गया है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो कौन प्रथम विजेता, वो है बप्पा रावल, ठीक है, जिन्होंने मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि ये क्या है, मेवाड़ के प्रथम विजेता, ठीक है, मेवाड़ के प्रथम विजेता। किसके अनुसार, अगर पूछ लिए डॉक्टर दशरथ किसके अनुसार, या फिर बोल सकते डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के प्रथम विजेता कौन है, तब आपको बताना रावल जैत्र सिंह। अगर ये कोई इसमें से डॉक्टर दशरथ शर्मा नहीं देता है तो प्रथम विजेता कौन है, वो है बप्पा रावल। ओके, इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि इनका जो शासन काल है जैत्र सिंह का, ये मेवाड़ का क्या है, स्वर्ण काल। ओके, ये क्या है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किन्होंने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है रावल जैत्र सिंह का जो शासन काल था उसके बारे में, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं रावल जैत्र सिंह। इसके अलावा इन्होंने एक युद्ध भी लड़ा था, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था 1227 में, जिसका क्या नाम है, भूताला का युद्ध, ठीक है। 1227 में युद्ध लड़ा था किसने, जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश के साथ, जिसका क्या नाम है, भूताला का युद्ध। ओके, यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं आगे 1227, ठीक है, इधर कौन थे, इधर तो थे जैत्र सिंह, और इधर कौन थे, दिल्ली के इल्तुतमिश, और इनके मध्य एक युद्ध हुआ जिसका क्या नाम है, ये हुआ था गोताला का युद्ध। गोताला का
युद्ध कब हुआ था ये? 1227 में ये युद्ध हुआ था, गोतालाका युद्ध, जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा यह रहा कि जयत्र सिंह इस युद्ध में क्या हो गए? जीत गए, जबकि इल्तुतमिश इस युद्ध में क्या हो गए? हार हो गए। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। ठीक है, और नागदा में इन्होंने आग लगा दी, इसी कारण से इनको तीसरी राजधानी मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनानी पड़ी। यहाँ लिखा रहा हूं मैं, इन्होंने या फिर इल्तुतमिश ने नागदा में आग लगा दी। ठीक है, इन्होंने नागदा में आग लगा दी थी इल्तुतमिश ने, इसी कारण से मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनानी पड़ी जयत्र सिंह को। ठीक है, और गोतालाका युद्ध कब लड़ाया गया था? 1227 में लड़ाया गया था। ठीक है, तो ये कौन थे इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश आपने नाम सुना होगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही बाद में जो ये रहते हैं शासक दिल्ली के इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने युद्ध लड़ा था जयत्र सिंह के साथ 1227 में गोतालाका युद्ध, जिसमें जयत्र सिंह जीत गए लेकिन इल्तुतमिश हार गए। लेकिन इल्तुतमिश ने भारी मात्रा में यहाँ पे नुकसान पहुंचाया और नागदा में आग लगा दी, इसी कारण से जयत्र सिंह को मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनानी पड़ी। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ का प्रथम विजेता जयत्र सिंह है, और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके स्वर्ण समय को कहा जाता है? तो कहा जाता है जयत्र सिंह के समय को। तो जयत्र सिंह हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, नोट डाउन कर ले इसको। ओके, आगे अपन बात करते हैं, अगले शासक है मेवाड़ के, जिनका नाम है तेज सिंह। और आपको पता होगा तेज सिंह के समय ही मेवाड़ में प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। कौन सा ग्रंथ है? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। आगे अपन बात करने वाले हैं अगले शासक, जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है तेज सिंह। ओके, अगले शासक कौन है? तेज सिंह। अगले शासक कौन है मेवाड़ के? तेज सिंह। और तेज सिंह का जो शासन काल है वो कहां से कहां तक है? 1250 से लेके 1273। ठीक है, 1250 से लेकर के 1273 तक किसका शासन काल है? वो है तेज सिंह का। ओके, तेज सिंह के बारे में क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इन्हीं के काल में जब ये यहाँ के शासक थे मेवाड़ के, तब यहाँ एक ग्रंथ लिखा गया था जिनका नाम क्या है? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। ठीक है, अगर चित्रकला पढ़ते हैं तो चित्रकला टॉपिक में ये पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तो श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मेवाड़ में किसके समय लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तेज सिंह के समय। इम्पोर्टेंट तेज सिंह से रिलेटेड यही है इम्पोर्टेंट कि इनके काल में प्रथम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ में श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी लिखा गया था। तो यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं, मेवाड़ का प्रथम चित्रित चित्रित ग्रंथ, जिनका नाम क्या है? मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिनका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इन्हीं के काल में लिखा गया, इन्हीं के काल हो सकता हूं समय में लिखा गया, इन्हीं के समय में लिखा गया। ठीक है, तो तेज सिंह के समय की मुख्य घटना यही है कि मेवाड़ में प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो लिखा गया था। ठीक है, तो ये आप इसको जरूर नोट डाउन करिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो इनकी पत्नी थी, इनकी रानी थी, जिनका नाम है जयतल देवी। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी जयतल देवी, तो जयतल देवी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिनका नाम क्या है?
श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर और एक इसका जो निर्माण करवाया था कहाँ करवाया था, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा हूँ इनकी जो पत्नी है, पत्नी जैतल देवी ने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पे करवाया था, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, पत्नी जैतल देवी है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे करवाया था, तो ये करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे करवाया था, करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, जैतल देवी, ओके, जैतल देवी ने निर्माण करवाया था, इनकी जो पत्नी थी उन्होंने, पार्श्वनाथ मंदिर का। इसके अलावा इसको एक उपाधि मिली हुई है, किनको, तेज सिंह को, उमा पति लब्ध। ठीक है, इसकी उपाधि इसको मिली हुई है, यहाँ पे लिखा रहा हूं उपाधि। उपाधि क्या है, उमा पति लब्ध। ठीक है, याद कैसे रखेंगे इनको, उमा पति यानी कि तेज सिंह किसका पति है, उमा को, और इसको क्या करता है, लब्ध यानी कि इसको मारता पीटता है। ठीक है, तो आप ये याद नहीं रखना कि ये उमा का पति था, ऐसा नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया है। उपाधि किसकी मिली हुई है इसको, ये मिली है उमापति लब्ध। ठीक है, इसकी उपाधि किसको मिली हुई है, उमापति लब्ध की उपाधि किसको मिली हुई है, उमापति वार लब्ध। ठीक है, उमापति वार लब्ध, उमापति वार लब्ध। ठीक है, ये पूरी उपाधि इसकी है। इसके अलावा तेज सिंह ने एक युद्ध भी लड़ा था, किसके साथ लड़ा था, गयासुद्दीन बलबन के साथ। ठीक है, युद्ध इन्होंने जी युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था, गयासुद्दीन बलबन। ओके, तो तेज सिंह के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अगर आगे अपन पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे अपन पढ़ने वाले हैं समर सिंह के बारे में। ओके, आगे अपन पढ़ने वाले हैं समर सिंह, और समर सिंह किनके पिता थे, तो वो थे रावल रतन सिंह के तो पिता थे, और तेज सिंह के पुत्र थे। और रावल रतन सिंह के बाद में, रावल जो रतन सिंह के इनके समय क्या होता है, यहाँ पे साका होता है, मैं आपको उसको डिटेल से पढ़ूंगा, पढ़ने में आपको मजा आएगा। आगे अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, समर सिंह के बारे में, समर सिंह, और अगले शासक कौन बनेंगे, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के समय क्या होता है, मेवाड़ में साका होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों 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 किया था चित्तौड़गढ़ पे। ठीक है, और क्यों साका हुआ था, तो समर सिंह से ही आप समझना स्टार्ट करें तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, समर सिंह, ओके, समर सिंह की अगर बात करूं, ठीक है, तो समर सिंह का जो शासन काल है कहां से कहां तक है, 1273 से लेके 1301, और 1301 के बाद में शासक कौन बन जाएंगे, रावल रतन सिंह। ठीक है, शासन काल की अगर बात करूं मैं इसकी, ठीक है, 1273 से लेके और 1301 तक शासक कौन है, यहां तक शासक कौन है, समर सिंह, जो कि पिता किसके है, रावल रतन सिंह के। समर सिंह ने क्या किया था, ठीक है, समर सिंह की अगर बात करूं मैं, तो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी जो सेना, उनसे टैक्स लिया था, ये क्या हमारा राजस्थान। ओके, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के हैं, दिल्ली के, यहाँ पे क्या है, दिल्ली। तो अलाउद्दीन खिलजी है, इनकी जो सेना वो गुजरात पे जा रही थी, गुजरात में क्या है, यहाँ पे मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, उसको लूटने के लिए जा रही थी, यहाँ से जा रही थी, बीच में क्या आएगा, मेवाड़, बीच में मेवाड़ आएगा। तो ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है, उनकी सेना यहाँ से जा रही थी मेवाड़ से। ओके, तो यहाँ पे शासक कौन थे उसमें, वो थे समर सिंह। कौन थे समर सिंह, समर सिंह ने इनसे क्या किया, टैक्स वसूल किया। टैक्स क्यों लेंगे,
क्योंकि अगर यहाँ से जाएगी सेना तो यहाँ पे जो फसल है उनका नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान को भरपाई के लिए इन्होंने समर सिंह ने क्या लिया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना और सेनापति कौन थे, अल्लूगा खां। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से क्या लिया, इन्होंने टैक्स ले लिया। ओके, चले गए इसको लूटने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर को, वापस आए ये। तो यहाँ पे क्या है, जालौर, और जालौर में आपको पता कानड़ होते। ठीक है, कानड़ देवते, इनको जो भी इन्होंने लूट, जो भी सामान लूट के लेके आए थे उन्होंने क्या है, ले लिया था। तो यहाँ पे क्या होता, शाखा हुआ था। ठीक है, तो मैं लेकिन यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था और शाखा क्यों होता, वो होगा रावल रतन सिंह के समय। लेकिन यही कारण है कि समर सिंह, मुख्य कारण तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जाते समय इन्होंने, समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल किया। ठीक है, और इसी कारण से भी इन्होंने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। और क्या क्या कारण थे, ओनली यही कारण नहीं है, और भी कारण है, उनके अपन बात करेंगे, रावल रतन सिंह पढ़ेंगे तब। ठीक है, सबसे पहले अगर इनकी बात करूं अलाउद्दीन खिलजी एक, ठीक है, कि सेना से टैक्स या बोल सकता हूं कर वसूल किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से समर सिंह ने क्या किया, टैक्स वसूल किया। इसके अलावा अगर बात करें अपन इनकी उपाधियां, इसकी उपाधियां क्या क्या है, ठीक है, इनकी समर सिंह की उपाधियां लिखा रहा हूं मैं आपको, उपाधियां, उपाधियां। ठीक है, उपाधि की अगर बात करूं तो बहुत सारे इनको क्या मिली हुई है, उपाधियां मिली हुई है। ठीक है, तो अगर बात करें हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इनको क्या कहा गया है, पहली जो उपाधि है वो क्या कहा गया, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार समर सिंह को क्या कहा गया है, स्त्रो की शक्ति का अपहर्ता, यानी कि स्त्रो की शक्ति को अपहरण करने वाला, मतलब जो भी दुश्मन है, जो भी स्त्रो है, उनकी शक्ति को क्या कर लेता, अपहरण, मतलब क्या है, अपहरण कर लेता, मतलब क्या है, एक शक्तिशाली क्या है, शासक है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार अगर बात करें तो समर सिंह को किसकी उपाधि मिली हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है स्त्रो की शक्ति का अपहर्ता, शक्ति का अपहर्ता, स्त्रो की शक्ति का अपहर्ता। ये कहाँ पे मिलती है जानकारी, ये मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है, आगे अपन बात करें अगर समर सिंह की, तो इनको चीरवस शिला लेख है, ठीक है, चीरवस शिला लेख में लिखा हुआ है कि समर सिंह को क्या है, समर सिंह क्या है, स्त्रो का संहार करने में शेर के समान है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ताकतवर है। तो यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं चीरवा शिला लेख, चीरवा शिला लेख, इसके अनुसार क्या है, स्त्रो का संहार यानी कि नाश, संहार करने में सिंह के समान, ठीक है, शेर के समान है, स्त्रो का विनाश करने में या संहार करने में, किसके अनुसार, चीरवा शिला लेख के अनुसार। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं आबू शिला लेख। ठीक है, आबू शिला लेख कहाँ पे है, माउंट आबू में, सिरोह में। तो आबू का जो शिला लेख है उसमें क्या लिखा हुआ है, उनकी बात करते हैं, आबू का शिला लेख, आबू का शिला लेख, इसमें लिखा हुआ है आबू का शिलालेख में, तुर्कों से गुजरात का उद्धार, इसमें लिखा हुआ है आबू शिलालेख में कि तुर्कों से गुजरात का उद्धार। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने गुजरात जाने दिया, तो ये उद्धार कैसे कर रहे हैं, ये तो उनका नाश कर रहे हैं। लेकिन आबू शिला लेख में लिखा हुआ है कि इन्होंने आने नहीं दिया, उनको वापस भगा दिया वहां से। अपन बात करते हैं चौथा, आगे अगर अपन बात करें चौथा, तो एक ग्रंथ है
जिनका नाम है जिन प्रभु शोरी तीर्थकल्प, ठीक है, जिन प्रभु शोरी तीर्थकल्प। और इसके अनुसार अगर अपन बात करें तो अल्लुगा खां को गुजरात जाने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जो ग्रंथ है वो लिखा रहा हूं, जिन जिन प्रभु शूरी तीर्थ कल्प, ठीक है, जिन प्रभु शूरी तीर्थ कल्प। इसके अनुसार क्या है, अल्लुगा खां को अल्लुगा खां को गुजरात जाने दिया, ठीक है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम द्वारा कि गुजरात जाने दिया। ये कुछ उपाधियां हैं, उनमें कुछ जानकारी मिली है हमें। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इनको क्या कहा गया है, स्त्रो की शक्ति का अपहर्ता। चीरवाद शिला लेख इनके अनुसार कहा गया है स्त्रो की शक्ति का संहार, मतलब इन दोनों में कहा गया है कि समर सिंह क्या थे, एक प्रतापी शासक थे इनके। आबू शिला लेख ये कहता है कि तुर्कों से गुजरात का उद्धार, ठीक है। और जिन प्रभु सूर्य तीर्थ का कहता है कि अल्लुगा खां को गुजरात जाने दिया। ये तो कह रहा है आबू का शिलालेख तो कह रहा है कि गुजरात जाने नहीं दिया, उनका उद्धार किया, मतलब बचा लिया वहां के जो भी है उसको, उनसे गुजरात का उद्धार किया, इसका मतलब ये है। आबू शिलालेख तो कह रहा है कि गुजरात जाने नहीं दिया और तुर्कों से उद्धार किया गुजरात का, जबकि जिन गर्भ सूरी तीर्थकल्प तो कह रहा है कि अल्लुगा खां को गुजरात जाने दिया। ये तो इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है। तो अगर पूछ ले आपको तो आबू शिला लेख के अनुसार तो आपको ये बताना है, और जिन प्रभु सूरी तीर्थकल्प के अनुसार पूछ ले तो आपको ये बताना है, ओके। तो समर सिंह का आप क्या है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे इनके जो पुत्र है वो लिखा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे अपन बात करते हैं इनके पुत्र, समर सिंह के पुत्र थे दो, और इनके जो पुत्र थे रावत रतन सिंह, इन्हीं के समय में क्या होता है, यहाँ पर शाखा होता है इनके पुत्र, ठीक है। इनके जो पुत्र थे एक तो है रावत रतन सिंह, रावल रतन सिंह, और दूसरे जो पुत्र थे जिनका नाम क्या है, एक तो है रावत रतन सिंह और दूसरा है कुंभकर्ण। रावत रतन सिंह तो यहाँ के समर सिंह के बाद में अगले शासक बन जाएंगे, और जो कुंभकर्ण है ये नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में कोई वंश के वहां पे क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा हूँ कुंभकर्ण के बारे में, नेपाल जाकर गोहिल वंश की स्थापना की, गोहिल वंश की स्थापना की, ओके। रावत रतन सिंह अगले शासक बन जाएंगे समर सिंह के बारे में, जिनके काल में क्या होगा, मेवाड़ का प्रथम शाखा होगा 1301 में, सॉरी 1303 में। और कुंभकर्ण क्या है, इनके भाई है, और ये कहाँ पे, नेपाल चले गए थे और नेपाल जाकर इन्होंने गोविंद वंश की स्थापना की। तो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में रावत रतन सिंह के बारे में, तो आप अगली क्लास जरूर देखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है, जो शाखा हुआ है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, उनके अपन डिटेल से बात करेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन कारणों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया उनके बात करेंगे। कहीं जगह अपन को मिलता है कि रावत रतन सिंह है, इनकी पत्नी रानी पद्मिनी बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उन्हीं को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया था। लेकिन मैं आपको सारे जो भी इतिहासकार हुए उनके अनुसार बताऊंगा कि इन्होंने कभी भी रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार नहीं किया था, ठीक है। क्यों किया था अधिकार, क्या कारण है, फिर तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में सारे डिटेल से, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कोई आपके डाउट रहते हैं निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इम्पोर्टेंट क्लास है तो देखना ना भूलें, जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।